बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ अहमद मुख्तार और आप देख रहे वट्टू फैमिली बाई एसपी। और आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और एक नई और बेहतरीन रेसिपी लेके आपके पास आए हैं। और आज हम बना रहे हैं लच्छा कॉटन कैंडी, जो आप बाज़ार से लेते हैं, सेम उसी को ट्राई करेंगे कि आप घर पर कैसे बना सकते हैं। बच्चों की बड़ी फेवरेट होती है और बड़े भी पसंद करते हैं। स्पेशली जो है वो आप देखते हैं कि वैलेंटाइन डे के आसपास आपको कॉटन कैंडी बहुत नज़र आती है, बड़े बड़े बलून्स बने होते हैं उसके। तो आज हम घर पर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कॉटन कैंडी हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने लेनी है चीनी, उसके साथ हमने लेना है ब्लू कलर। मैं ब्लू बना रहा हूँ, आप चाहे तो पिंक बनाएं, ग्रीन बनाएं या रेड बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हम लेंगे चीनी। ये चीनी हमने 1 कप जो है उसको ग्राइंड करेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे। और 1 कप हमने एज इट इज़ रखनी है। और अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे चीनी को। अच्छा, यस ये देखें जी, हमने 1 कप जो चीनी थी उसको ग्राइंड कर लिया, उसका पाउडर बना लिया, बिल्कुल पाउडर, ठीक है। और इसी तरीके से आपने 1 कप जो है वो सेम उसी साइज़ का, अच्छा 1 कप चीनी जो है वो आपने एज इट एज, जैसे चीनी है उसी के अंदर आप इसको शामिल कर दें, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखेंगे आप, चीनी जो पाउडर थी और इसको दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और इसके अंदर डालेंगे हम ये कलर, जी। जी इसके अंदर हम डाल रहे हैं ब्लू कलर। और इसको हम करेंगे मिक्स। ये देखें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह चीनी हमने कलर जो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया, बिल्कुल प्योर जो ब्लू कलर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और हम इसको ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सारी नहीं डालनी आपने, हाफ डालनी है और हाफ आपने सेव करनी है। चलें, ये मैंने रख दी है, इसके ऊपर लिड लगाएंगे और इसको हम चला देंगे। ये चीनी मैंने, हाँ चीनी मैंने जो है वो ब्लेंडर के अंदर डाल दिया और इसको तकरीबन 10 मिनट हमने ब्लेंड करना है, वक्फा नहीं देना, लगातार चलाना है ताकि चीनी जो है ना पहले हीट अप होगी। हीट अप होने के बाद फिर आपका लच्छा बनेगा, आपकी कॉटन कैंडी बनेगी। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो फिर आपकी जो कॉटन कैंडी नहीं बनेगी। हम इसको चलाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें जी, मैंने 10 मिनट इसको तकरीबन ग्राइंड किया और ये चीनी भी इसके अंदर थी जो मैंने निकाली है, ये फुल गर्म हो चुकी है। लेकिन ये जो तमाम वीडियोस आ रही हैं वो मेरे भाई फेक हैं। इस जग के अंदर, इस ब्लेंडर के अंदर लच्छा नहीं बनता, या वो बाहर से ला के डालते हैं, ठीक है, या फिर ये कि वो आपको उल्लू बनाते हैं। हमने इसको ट्राई किया, आपके सामने है, ये बिल्कुल नहीं बना, ठीक है। और जो हमें करेक्ट करना चाहता है वो हमें बना के लाइव दिखाए कि भाई जाग के अंदर बन रहा है, नहीं तो फिर वो आवाम को धोखा ना दे। हमने बनाने की कोशिश की है सिर्फ इसलिए कि आवाम को पता चले कि बाहर से लच्छा ला के वो जाग के अंदर डाल देते हैं, तो कहते हैं ये देखिए जी आपकी कॉटन कैंडी बन गई है। ऐसा नहीं है, ठीक है, वो तमाम वीडियो फेक हैं। ये चीनी भी देख लें आप, वैसे की वैसे है, इसमें कोई लच्छा कोई कॉटन कैंडी मेरे भाई नहीं बनी, ठीक है। और हमें दीजिए इजाज़त, अजानें हो रही हैं और मैं मज़ीद बात नहीं करना चाह रहा, इसलिए तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को रिक्वेस्ट है कि भाई सब वीडियो जो यूट्यूब पे पड़ी होती हैं वो ओरिजिनल नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, कुछ फेक भी होती हैं। जैसे ये मेरे हाथ हैं रंगे हुए, ऐसे उन लोगों के भी हाथ फेक वीडियो से रंगे हुए हैं, ठीक है। लिहाजा दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।